नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर सिंह मेहरा और हाउ टू हिंदी डॉट इन के यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस हाउ टू वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोगों ने अपने घर में, ऑफिस में या फिर जहां पर आप लोग रहते हैं या फिर जहां पर आप लोग काम करते हैं, अपने वर्क स्पेस में आप लोगों ने कोई इंटरनेट कनेक्शन लिया है और आप लोग अपने उस इंटरनेट को वाईफाई राउटर से मैनेज करते हैं और आप लोग अपने उस वाईफाई राउटर के वाईफाई का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं या फिर आप लोग अपने वाईफाई का नाम चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप लोग कैसे कर सकते हैं? फिर चाहे आप लोगों का वाईफाई राउटर किसी भी कंपनी का हो, आप लोग अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए अपने वाईफाई का नाम और अपने वाईफाई का पासवर्ड जो है वो आसानी से चेंज कर सकते हैं। ये कैसे करना है, ये आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं इसको कैसे करना है, तो फिर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। अभी मजा आएगा ना वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों के पास कोई वाईफाई राउटर है और आप लोग अपने उस वाईफाई राउटर के वाईफाई का नाम और पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो उसका जो प्रोसेस होता है वो लगभग सभी कंपनी के राउटर में सेम होता है। अगर आप लोग एक बार इस प्रोसेस को समझ लेंगे तो फिर आप लोगों को अपने वाईफाई राउटर का नाम और पासवर्ड चेंज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, फिर चाहे वो किसी भी कंपनी का हो सकता है उसका जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा अलग हो, लेकिन ये जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम होता है। तो हम लोग यहाँ पर से सबसे पहले उस प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर से देखिए, मैं ले लेता हूँ एक पेन और इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लू। तो यहाँ पर से देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप लोग अपने वाईफाई राउटर को एक्सेस और मैनेज करने के लिए अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप लोगों के पास कोई कंप्यूटर लैपटॉप है, आप लोग कंप्यूटर लैपटॉप का इस्तेमाल करते हुए अपने वाईफाई राउटर को एक्सेस करते हैं और मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपने राउटर के साथ कनेक्शन जो है वो बैठा देना है, मतलब कनेक्ट कर लेना है। अगर आप लोग मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो आप लोग वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप लोग अपने कंप्यूटर पीसी से कर रहे हैं तो आप लोगों के उसमें RJ45 इंटरनेट केबल लगी हुई होगी, आप लोग उसका इस्तेमाल करते हुए अपने वाईफाई राउटर से कनेक्ट कर लें। अगर लैपटॉप से कर रहे हैं तो लैपटॉप में भी वाईफाई होता है, अगर वाईफाई नहीं है तो आप लोग इंटरनेट केबल का इस्तेमाल करते हुए अपने राउटर से जो कनेक्शन है वो बैठा सकते हैं। राउटर से एक बार अगर आप लोगों का कनेक्शन हो जाता है तो फिर आप लोग उस राउटर की जो सेटिंग है उसको एक्सेस कर सकते हैं। राउटर की सेटिंग को एक्सेस करने के लिए फिर आप लोगों को क्या करना होता है, एक बार अगर आप लोगों का कनेक्शन बैठ गया तो फिर आप लोगों को अपने मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर लैपटॉप के ब्राउजर में आना होता है और ब्राउजर में आप लोगों को उसका जो URL होता है, उसकी जो IP होती है, आप लोगों को उसको टाइप करना होता है। तो यहाँ पर से मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी कंपनियों के जो IP है वो भी दी हुई है, लेकिन आप लोगों के राउटर के पीछे ही आप लोगों की जो राउटर का URL होता है वो लिखा हुआ मिल जाएगा और साथ ही साथ इसका जो User ID और पासवर्ड होता है वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, उस राउटर को एक्सेस कर लेंगे और वहां पर से उसकी सेटिंग को एक्सेस कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे अपने राउटर में। एक बार अगर आप लोग अपने राउटर में लॉगिन कर लेंगे तो फिर आप लोगों को अपने राउटर से वायरलेस सेटिंग को एक्सेस करना होता है, जहां पर से भी आप लोग अपने वाईफाई को मैनेज कर सकते हैं। इसमें इंटरफेस अलग है, हो सकता है दूसरे राउटर में जो है वो इंटरफेस अलग हो। जब यहाँ पर से आप लोग अपने वाईफाई की सेटिंग पे आ जाएंगे तो वहां पर से फिर आप लोग अपना यूजर नेम और उसका जो पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोग वहां पर से उसका यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो चेंज कर देंगे। और एक और बात ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही आप लोग इसका यूजर नेम या फिर पासवर्ड या फिर दोनों में से कोई एक चेंज कर देंगे तो आप लोग इस राउटर से फिर हो जाएंगे डिस्कनेक्ट। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब आप लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर आप लोगों को क्या करना होगा, अगर आप लोगों ने वाईफाई का नाम चेंज कर दिया तो जो चेंज बदला हुआ नाम है उस नाम से आप लोगों ने अपने राउटर से कनेक्ट होना होगा। अगर आप लोगों ने पासवर्ड भी चेंज करा होगा तो आप लोगों को उसका जो नया पासवर्ड आप लोगों ने डाला था उसका इस्तेमाल करते हुए फिर आप लोग अपने राउटर से कनेक्ट होंगे, तब आप लोगों को इंटरनेट एक्सेस जो वो मिल पाएगा। तो ये तो इसका कंप्लीट प्रोसेस है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोगों को अपने वाईफाई राउटर का नाम और पासवर्ड चेंज करना है तो वो आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को आना होगा अपने मोबाइल फोन में। तो यहाँ पर से मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल फोन में और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग अपने मोबाइल फोन में ये वीडियो देख रहे हैं। तो आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है, आप लोग यहाँ पर से टाइटल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लोग टाइटल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला लिंक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, आप लोगों ने इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस बताया गया है कि आप लोग अपने वाईफाई राउटर का वाईफाई का नाम और पासवर्ड जो है वो कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए और उसके बाद आप लोगों को नीचे को स्क्रॉल करना है। नीचे यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी जो राउटर की कंपनियां हैं उनका IPV एड्रेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोगों के वाईफाई राउटर में वो नहीं दिख रहा है तो आप लोग यहाँ पर से देख सकते हैं, जैसे 2Wire के इतने सारे हैं, 3Com के इतने हैं और यहाँ पर जो भी ये राउटर कंपनी है उन सभी के राउटर के यहाँ पर IP एड्रेस जो होंगे लिखे हुए आप लोगों को मिल जाएंगे। तो जो भी आप लोगों की कंपनी है उस एड्रेस को आप लोगों ने क्या करना है, अपने ब्राउजर पे जो है वो खोल देना है। जैसे मैं यहाँ पर से क्या करूंगा, मेरा राउटर जो है वो टिंडा का है और मैंने यहीं पर जो स्टेप्स दिए हैं इन्हीं स्टेप्स में यहाँ पर मैंने एक लिंक भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो यहाँ पर से देखिए 192.168.0.1 ये मेरा है, हो सकता है आप लोगों का हो 192.168.1.1, जो भी आप लोगों का एड्रेस है, IP एड्रेस, आप लोगों ने उसको खोलना है। तो यहाँ पर से देखिए मैंने इस IP एड्रेस को खोल दिया है और ये जो IP एड्रेस है ये खुल रहा है। अभी यहाँ पर से देखिए ये एड्रेस खुल नहीं पाएगा क्योंकि मैं राउटर से कनेक्ट नहीं हूँ। तो यहाँ पर से अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो
तो मैं किसी भी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हूँ। तो अब मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले अपने वाईफाई राउटर से कनेक्ट होना होगा। तो मैं यहाँ पर से सेटिंग पे जाता हूँ और मैं यहाँ पर से वाईफाई एंड इंटरनेट पे जाता हूँ और मैं यहाँ पर से वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर से वाईफाई को ऑन कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पर से वाईफाई को ऑन करा तो अभी यहाँ पर से वाईफाई नेटवर्क को सर्च कर रहा है। जैसे ही यहाँ पर से सर्च कर लेगा तो यहाँ पर से देखिए वाईफाई राउटर इसको मिल गया है, और क्योंकि मैंने इसमें पहले से पासवर्ड डाल रखा है वो सेव है, तो यहाँ पर से देखिए इस नेटवर्क से कनेक्ट हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर से आते हैं दोबारा से अपने ब्राउजर पे। मैं यहाँ पर से आ गया हूँ ब्राउजर पे और यहाँ पर से देखिए अभी तक क्या नहीं खुल रहा था, अब कनेक्ट हो गया तो खुल गया। जैसे ये खुल गया तो यहाँ पर से इसने पासवर्ड मांगा है। अब मैं यहाँ पर से इसमें पासवर्ड डालकर इसमें लॉग इन करता हूँ। तो आप लोगों का जो वाईफाई राउटर का पासवर्ड है वो आप लोगों के राउटर के पीछे ही आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा। तो आप लोगों ने उसको यहाँ पर एंटर कर दिया। तो मैंने यहाँ पर से इसमें पासवर्ड एंटर कर दिया है। अब मैं इसमें लॉग इन कर लेता हूँ। जैसे आप लोग अपने वाईफाई राउटर में लॉग इन कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर से देखिए मेरे वाईफाई राउटर में यहाँ पर से ये टॉप राइट कॉर्नर पर तीन लाइन देखने को मिल रही है, क्योंकि ये एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है। तो यहाँ पर से मैं क्या करूंगा, इस टॉप राइट के जो ये तीन लाइन है इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर से फिर मेरे को ऑप्शन मिल जाता है वायरलेस सेटिंग का। तो अब मुझे क्या करना होगा, क्योंकि मेरे को अपने वाईफाई का नाम चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर से वायरलेस सेटिंग को एक्सेस करूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर से वायरलेस सेटिंग को एक्सेस करूंगा तो यहाँ पर से आप लोग देख पा रहे होंगे जिस भी वाईफाई नेटवर्क से हम लोग कनेक्ट हैं उसका नाम है वाईफाई राउटर, और यहाँ पर से इसका जो पासवर्ड है वो भी आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा 8765432111। तो यहाँ पर से अगर आप लोगों को अब इसका नाम जो है वो चेंज करना है तो अब आप लोग यहाँ पर से कुछ भी नाम रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर से इसमें लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर से इसका जो नाम है वो टिंडा रख दिया है और इसका जो पासवर्ड है मैं इसमें एक और वन जो है वो ऐड कर देता हूँ ताकि इसका जो पासवर्ड जो है वो भी चेंज हो जाए। अब मैं यहाँ पर से इसको ओके कर देता हूँ। जैसे मैं इसको ओके करूंगा यहाँ पर से मेरा जो डिवाइस है मेरा मोबाइल फोन ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर से इसको ओके कर देता हूँ, ये कंफर्मेशन मांग रहा है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो मैंने इसको कंफर्म कर दिया। तो जैसे मैंने इसको सेव करा तो यहाँ पर से देखिए हमारा अब यहाँ पर से देखिए डिस्कनेक्ट हो चुका है, इस नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो गया है। अब हम लोग दोबारा से सेटिंग पे जाते हैं और हम लोग यहाँ पर से वाईफाई और इंटरनेट को एक्सेस करते हैं और वाईफाई पे जाते हैं। अब यहाँ पर से देखिए हम लोगों ने इसका जो नाम रखा था टिंडा वो यहाँ पर से टिंडा आ गया है। अब इसको पासवर्ड तो पता नहीं है, अब हम लोगों ने जो नया पासवर्ड डाला था उसको हम लोग यहाँ पर से एंटर करते हैं ताकि हम लोग इस नेटवर्क से दोबारा से कनेक्ट हो पाए। तो यहाँ पर से देखिए हमारा मोबाइल फोन बार बार इस नेटवर्क से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है और इसको लग रहा है कि हमारा जो पासवर्ड है वो पुराना ही है, तो ये बार बार ऑथेंटिकेट करने जा रहा है और बार बार फेल हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर से क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर तक का प्रेस करेंगे और जैसे हम लोग यहाँ पर से सेटिंग के बटन को थोड़ी देर तक का प्रेस करेंगे तो हम लोग यहाँ पर से क्या करते हैं, इस फॉरगेट नेटवर्क को सेलेक्ट कर लेते हैं कि इस नेटवर्क को भूल जाओ। अब यहाँ पर से दोबारा से हम लोगों को नेटवर्क जो है वो दिखाई दे। अब यहाँ पर से टिंडा दोबारा से आ गया, हम लोग इसको दोबारा से सेलेक्ट करते हैं। अब हम लोगों ने जो नया पासवर्ड उसमें डाला था उसको यहाँ पर हम लोग एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर से देखिए इसने आईपी एड्रेस भी ऑब्टेन कर लिया है और हमारा जो कनेक्शन है वो बन गया है। अब यहाँ पर से देखिए अगर मैं आप लोगों को कंप्यूटर पर दिखाऊं तो यहाँ पर हमारा जो कंप्यूटर है वो भी कनेक्टेड था इस नेटवर्क से। अब यहाँ पर से देखिए इसमें टिंडा आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ टिंडा से कनेक्ट हो जाता हूँ। हम लोग यहाँ पर से इसका जो पासवर्ड है उसको भी चेंज कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर से इसमें शो पासवर्ड करता हूँ और हम लोग यहाँ पर से एक और वन ऐड कर देते हैं, इसको ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर से इसका जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, कनेक्टेड हो गया, इंटरनेट भी चालू हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि अगर आप लोगों को अपने वाईफाई का नाम और उसका जो पासवर्ड है अगर चेंज करना है तो आप लोग उसको कैसे आसानी से अपने मोबाइल फोन का या फिर कंप्यूटर लैपटॉप का इस्तेमाल करते हुए कैसे आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और आप लोगों के काम आया तो यहाँ पर लाइक बटन पर क्लिक कर आप लोगों ने इसको जरूर से लाइक कर देना है और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही कंप्यूटर इंटरनेट मोबाइल वेब और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स और हाउ टू वीडियो देखने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर किसका वेट कर रहे हो, यहाँ पर सब्सक्राइब बटन है इसको प्रेस कर लो, बगल में घंटी को जरूर से दबा लो, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो। इससे होगा कि जितने भी हम वीडियो डालेंगे हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल में उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और फिर आप लोग इस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।